डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको थाई मसल्स को स्ट्रेंथ देना है। तो बेसिकली अगर आपकी थाई मसल्स वीक होगी तो आपका जो पेटुला है या जो गुजराती में बोलते हैं ना ढक्कन, नी का नी कैप, वो आपका पेन होने लग जाएगा। तो बेसिकली ये कोई भी किताब आप ले लीजिए, उसके तो इससे भी ज़्यादा मोटी किताब लीजिए, और मेक श्योर कि आप या तो लेगिंग्स पहने या ट्रैक्स पहने। साड़ी में ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, उसका रीज़न क्या है, ये किताब को आप दोनों नी के बीच में दबा के रखना है, जैसे वो नीचे गिरेगी तो आप उसको और टाइट दबाओगे। देखो तो ये काम पैंट पहनने से ही या ट्रैक्स पहनने से ही आपका होगा, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्रैक्स या लेगिंग्स पहन के ही एक्सरसाइज करिए। कम से कम 20 सीटिंग एट ए टाइम करना है आपको, और फीट को आपकी तरफ खींचिए, ऐसे ऊपर करके फीट को आपकी तरफ, आप मुंह की तरफ खींचने का, ऐसा ऐसे 20 रिपीटेशन करने का, कम से कम 3 बार ऐसे 3 सेशंस करने हैं दिन में, 3 बार ऐसे टोटल 60 सेशंस पर डे आपको करना है। तो आपकी ये थाइस की जो मसल्स है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और वो मजबूत होगी तो आपका नी कमे में कभी भी गैप नहीं आएगा, और कभी भी आपको नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज, लोग आपको कभी सिखाएंगे नहीं। अब मेरी तो रिक्वेस्ट रहती है हर ऑर्थोपेडिक से कि प्लीज आप ये एक्सरसाइज, बेसिक एक एक्सरसाइज है जो आपके आने वाले हर पेशेंट को सिखाइए, बट एक्चुअली क्या है कोई भी ऑर्थोपेडिक सिखाता नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि सीखने से उनका नी रिप्लेसमेंट करने की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, ये छोटा सा एक एक्सरसाइज है जो हर व्यक्ति इस वीडियो को देख के ट्राई कर सकता है अपने घर में, और इसमें कोई नुकसान नहीं है, खाली एक 10-15 मिनट दिन का निकालना है, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ नी रिप्लेसमेंट।